इंद्र कुमार पुत्र श्री इंद्रराज सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर 100% इनमें दिव्यांगता है। 100% दिव्यांगता के बावजूद सौंपे गए कार्यों को 100% पूरा करते हैं। बहुत जोरदार तालियां श्री महेंद्र कुमार पुत्र श्री इंद्रराज। सहेंद्र हैं 100% विकलांगता और 100% कार्य कुशलता सहेंद्र कुमार। अब हम 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री कुमार सिंह ग्राम भद्रोली त्योनी चक्राता देहरादून 40% दिव्यांगता। खेल महाकुंभ 2017 में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 600 मीटर दौड़ 200 मीटर दौड़ 2019 में सिल्वर मेडल। श्री हरप्रीत सिंह कंबोज पुत्र श्री स्वर्ण सिंह शारीरिक रूप से 45% अक्षमता। सेकंड राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक खेल 2019 में 400 मीटर रिले में द्वितीय 2021 में 17वें नेशनल पैरा गेम्स में शॉटपुट में तृतीय तथा 2019 में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन। हम श्री हरप्रीत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्री राजेंद्र सिंह धामी शारीरिक रूप से 90% अक्षमता। 16वें सीनियर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 में पंचकुला हरियाणा में और 2019 में एशियन नेपाल T20 क्लब व्हीलचेयर क्रिकेट में राज्य की ओर से प्रतिभाग किया। श्री राजेंद्र सिंह यदि उपस्थित हैं तो आए। श्री अजय कुमार जयपुर में आयोजित 17वें नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर 200 मीटर लंबी कूद और अन्य खेलों में प्रतिभाग अजय कुमार। कुमारी प्रीति गोस्वामी बाएं पैर से 65% अक्षमता। हाईकोर्ट नैनीताल में आप अधिवक्ता हैं। 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 असम में सेकंड उत्तराखंड राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में आपने सफल प्रतिभाग किया। प्रीति के बाद कुमारी रेखा। कुमारी रेखा नेशनल सीटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में प्रतिभाग। 2019 में थर्ड नेशनल पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता पैरा ओलंपिक में गोला फेंक 2017 में जिला स्तर पर बैडमिंटन में प्रथम स्थान। कुमारी नेहा सक्सेना पत्नी श्री अनुराग। नेहा जी 17वीं राष्ट्रीय पैरा गेम्स फॉर सेरिब्रल पॉल्सी वर्ष 2021 में 200 मीटर 100 मीटर दौड़ में स्थान। धन सिंह जी संभवतः अभी नहीं उपस्थित है। नरेश कुमार और डॉक्टर मोनिका उपस्थित हैं। 60% इनमें दिव्यांगता है। फोर्थ उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता 2022 में प्रथम स्थान। डिस्कस थ्रो में प्रथम शॉर्ट पुट में प्रथम 2019 में गोला फेंक और चक्का फेंक गोला फेंक में द्वितीय। सुश्री नाजमीन इसके बाद मोनिका जी के बाद नाजमीन आएंगी। सेकंड उत्तराखंड राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक 2019 में शॉर्ट पुट और विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट स्थान। अब स्वतः रोजगार में रत हमारे दिव्यांग श्री सत्यपाल सिंह जनसेवा केंद्र आप चलाते हैं और बुक डिपो चलाते हैं। श्री सत्यपाल सिंह जनसेवा केंद्र और बुक डिपो 40% दिव्यांगता। श्री मोहसिन अहमद पुत्र जमीर अहमद 50% पांव से विकलांगता है लेकिन सिलाई का कार्य करके सम्मान से अपना जीवन बिताते हैं।
धीरेंद्र सिंह यदि उपस्थित हैं, धीरेंद्र सिंह हैं, आइए। आप रिचार्ज करते हैं मोबाइल से और बहुत ही सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। ये प्रत्येक कैटेगरी में 5,000 रुपये की नकद राशि, मानपत्र, सर्टिफिकेट और यह मेडल दिया जा रहा है। श्री महताब आलम पुत्र श्री महबूब स्वयं की चाय की दुकान अपने परिवार का सम्मान पूर्वक भरण पोषण करते हैं महताब आलम साहब। श्री शाहबाज पुत्र श्री अब्दुल 50% दिव्यांगता, स्वयं की परचून की दुकान का संचालन करते हैं श्री शाहबाज, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 5,000 रुपये की प्रति को नकद राशि, मानपत्र, मेडल और यह सर्टिफिकेट। श्रीमती कविता रावत, बाएं पैर से दिव्यांगता है 46%, लेकिन सिलाई का कार्य बहुत ही सफाई से करती हैं और अपने परिवार को चलाती हैं। जोरदार तालियों से कविता का स्वागत करें यदि उपस्थित हैं। कविता के बाद हिम्मत सिंह देवीधुरा में स्वयं द्वारा बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें भी योग्य बनाते हैं। 40% दिव्यांगता है हिम्मत सिंह की। श्री पूरन सिंह, पूनम जोशी, ये दोनों यदि हैं तो आएंगे, मुझे संकेत करेंगे। श्री कुलवीर सिंह पुत्र श्री मांगेराम, शारीरिक रूप से 100% अक्षमता है, लेकिन मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाकर जीवन यापन करते हैं। बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आप सफल हों अपने जीवन में। कुलदीप, आप हैं शारीरिक रूप से 100% अक्षम। ये 5,000 रुपये की राशि इन्हें दी जा रही है। और अब सेवायोजक अधिकारी रवि यादव, हीरो मोटोकार्प के लिए ये काम करते हैं और हीरो मोटोकार्प लिमिटेड में सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांग व्यक्तियों को अपने कंपनी में ये कार्य देते हैं। 11 दिव्यांग जन इनके यहाँ काम कर रहे हैं। श्री रवि यादव, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, बस अपनी आँखों से औरों के सपने जोड़ दो। इस प्रकार ये संपन्न हुआ है और मुझे ये आदेशित किया गया है कि अंत में सबका एक सामूहिक फोटोग्राफ होगा, दिव्यांगजन जाए नहीं अंत में, कार्यक्रम के अंत में। और दो दो शब्दों के लिए सबको शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हम दो दो शब्दों ही तो आमंत्रित करते हैं माननीय मेयर सर को प्रथम और उसके पश्चात माननीय विधायक महोदय को। भारत माता की, भारत माता की। आज के विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय खजानदास जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव आदरणीय पनई जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष विजय थापा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष पूनम नौटियाल जी, सभी समाज कल्याण के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, हमारे निदेशक संजय ढोलिया जी, और आज के इस कार्यक्रम में
आपने देखा दिव्यांगता कोई मायने नहीं रखती। दिव्यांगता जो है सिर्फ दिमाग से है। अगर आपका दिमाग जो है, दिमाग और हौसले आपके बुलंद हैं, तो आप कोई भी ऊंचाइयां छू सकते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, अनेक प्रतिभाएं, चाहे आप 200 मीटर की रेस में हो, चाहे मोबाइल की दुकान चलाने वाले हो, चाहे स्कूल में अध्यापक गण हो, दिव्यांगता उनके आगे कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ जीएमएस रोड पे चल रहा है, उसमें हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली की वहाँ टीमें जो हैं, सभी दिव्यांग भाई जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के चौके और छक्के ऐसे लगा रहे हैं जैसे हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी लगाते हैं। तो दिव्यांगता जो है दिमाग से है। अभी हमारा विधानसभा सत्र जो है अभी अभी निपटा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 6 दिन का सत्र था, 2 दिन में निपटा दिया। जब परीक्षा का समय होता है तो 3 घंटे का समय मिलता है। कोई बच्चा उसको जो है 30 मिनट में कर देता है, कोई आधे घंटे में, कोई 1 घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य कुशलता है कि उन्होंने जो छह दिन का काम था वो उन्होंने 2 दिन में निपटा कर, और प्रदेश के लिए और कामों के लिए आपने 4 दिन का समय निकाला है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे मार्गदर्शन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में वो कार्यक्रम के अंत में न बोलकर सम्मान स्वरूप पहले 2 शब्द ज्ञापित करेंगे माननीय विधायक महोदय श्री खजानदास जी। भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सूबे के मुखिया, उत्तराखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन हमारे देहरादून शहर के प्रथम नागरिक, हम सबके सम्मानित मेयर सुनील उनियाल गामा जी, सचिव समाज कल्याण एल फनई जी, निदेशक पीएल फिरमाला जी, आयुक्त दिव्यांगजन कमेंद्र सिंह जी, हमारे इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय थापा जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष अभी अभी कुछ समय पूर्व जो निर्वाचित हुए ऐसे सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर के मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय बिजेंद्र थपलियाल जी, आदरणीय पूनम नौटियाल जी, और हमारे पिछड़ा आयोग के सम्मानित उपाध्यक्ष के पद का दायित्व जो बखूबी निभा रहे हैं मेरे मित्र आदरणीय संजय नेगी जी, और यहाँ पर हमारे निदेशक संजय टोलिया जी, यहाँ पर हमारे पार्षदगण और अपने